नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल जीके फैक्ट्स अजय में। आज मैं बात करूंगा इस वीडियो के माध्यम से गैंडे के बारे में। गैंडे के बारे में डिटेल से आपको बताऊंगा, इसमें कुछ ऐसी जानकारी आपको मिलेंगी जो आपने आज तक सुनी नहीं होंगी। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। गैंडे का वैज्ञानिक नाम हिनोसेरोटाइट है। इस जीव का अंग्रेजी नाम है हिनोसेरस है। जानवर अधिकतर अकेला रहना पसंद करता है। गैंडे को स्तनधारी जीव की श्रेणी में रखा गया है। गैंडे की सूंघने की क्षमता बहुत ही तेज होती है। भारतीय गैंडों की लंबाई 12 फुट से भी ज्यादा होती है। इस जानवर के बारे में ऐसा कहा जाता है कि यह हमेशा अपना मल एक जगह पर त्यागता है। गैंडा शाकाहारी जीवों की श्रेणी में आता है। इसके भोजन में मुख्यतः घास और पत्तियां शामिल होती है। गैंडा हाथी के बाद दूसरा सबसे भारी जानवर होता है। वैज्ञानिकों का मानना है कि गैंडा इस धरती पर करीब 5 करोड़ वर्ष से मौजूद है। इतना भारी जानवर होने के बावजूद भी गैंडा 50 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से दौड़ता है। गैंडे के समूह को क्रेस कहा कहते हैं। पूरी दुनिया में गैंडों की 5 प्रजातियां ही पाई जाती है। कभी कभी गैंडों की लड़ाई हो जाती है। इतनी खतरनाक लड़ाई होती है, इनकी लड़ाई में मौत भी हो जाती है। गैंडों की सुनने की शक्ति बहुत अच्छी होती है, लेकिन उनके देखने की शक्ति बहुत ही कम होती है। मादा गैंडा का गर्भकाल 18 महीने का होता है। ये 18 महीने बाद बच्चे को जन्म देती है। एक जन्मे बच्चे के सर पर सींग नहीं होता। इनके जो सींग होते हैं वो जन्म के 40 दिन के बाद निकलते हैं, जबकि एक वयस्क गैंडे के सर पर एक या किसी किसी के 2 सींग भी होते हैं। गैंडों में 50% मौतों का कारण इनकी खतरनाक लड़ाई ही होती है। नर व मादा गैंडा संभोग के समय मादा गैंडा अपना मूत्र छिड़क देती है। इसी गंध के कारण नर गैंडा मादा की तरफ आकर्षित होता है। अगर इस गंध के कारण 2 गैंडे आ जाते हैं तो वहाँ पहले लड़ाई होती है। लड़ाई के बाद फैसला होता है। गैंडे की त्वचा बहुत मोटी होने के साथ साथ बहुत संवेदनशील भी होती है। इसकी त्वचा बहुत मुलायम होती है। इसी के लिए सूर्य की किरणों से बचने के लिए यह कीचड़ में बैठा रहता है। समान गैंडों का वजन अगर देखा जाए तो 2 से 2.5 टन होता है, लेकिन भारतीय गैंडों का वजन 3.5 टन से भी ज्यादा होता है। पूरी दुनिया में गैंडों की 5 प्रजातियां पाई जाती है, जिनमें से भारतीय गैंडे, काले गैंडे, सफेद गैंडे, जवान गैंडे और सुमात्रन गैंडे शामिल होते हैं। जिनमें 2 गैंडे अफ्रीकन महाद्वीप में पाए जाते हैं, बाकी 3 गैंडे दक्षिणी एशिया में पाए जाते हैं। जिनमें 2 गैंडों की प्रजाति अफ्रीकन पाई जाती है। ज्यादातर गैंडे आपको घास के मैदानों, वर्षा वनों या गीले क्षेत्रों में पाए जाते हैं। भारतीय गैंडों की औसत आयु लगभग 100 साल की होती है। गैंडा अलग अलग तरह की आवाजें निकाल सकते हैं। 16 फीट दूर तक अपने पेशाब को फेंक सकते हैं। अगर जानकारी आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में।